चुप कर मैं तो यहाँ की नहीं हूँ आज का दिन कमरे में कहीं काल दी चुप कर बस चुप तो अंडिया के चुप कर बस उत्तर बाजो की करिया ने काल दी बाजो 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 फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो बेहद दुखदाई है क्योंकि हमारे एक बकरी पालक भाई के साथ बेहद बड़ा हादसा जो हुआ है, बीती शाम की घटना बताई जा रही है। इनके घर में आग लगने के कारण सब कुछ तहस नहस, सब कुछ जो बर्बाद हो चुका। करीब 46 बकरियां काफ़ी शानदार नस्ल वाली जो कि मारी गई, जलकर खाक हो चुकी, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और इस परिवार में जो दो बेटियों की शादी रखी हुई थी, करीब 2 महीने बाद जो शादी करनी है, उस शादी में जो बेटियों को सामान देना था वो भी जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा जो नुकसान इस परिवार को हुआ है। बेहद गरीब परिवार है, प्रवासी परिवार है, कुछ समय से जो बठिंडा में रह रहा था, बेसिकली जो बताया जा रहा है कि राजस्थान के रहने वाले थे और यहाँ पर आके जो रह रहे थे। तो ये बठिंडा का जो गुरु की नगरी इलाका है, इस इलाके में जो ये परिवार अपना घर बनाकर रह रहे थे और किन्हीं कारणों से, कारणों का अभी पता नहीं चल सका, जो इनके घर में आग लगी है उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हो, सब कुछ जल कर ख़त्म हो चुका। नगदी भी काफ़ी थी क्योंकि शादी जो 2 महीने बाद थी दो बेटियों की, उस शादी के लिए जो ये कर्जा भी लेकर आए थे, कितना कर्जा था, कितनी बकरियां मरी हैं और कितना सामान जो जल कर राख हो चुका, वो हम इनके परिवार के मुखी से ही आपको जानकारी देंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आमतौर पर हम ये नहीं बोलते कि वीडियो को शेयर करें, उसी वीडियो को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जिस वीडियो से किसी की मदद हो सके। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो परिवार का जो नंबर और खाता नंबर है वो भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं क्योंकि बेटियां सभी की सांझी होती हैं और बेटियों की 2 महीने बाद जो शादी होनी है तो काफ़ी जिम्मेवारी है इस परिवार पर। काफ़ी लंबे समय से जो एक एक पैसा इकट्ठा करके इन्होंने काफ़ी जो सामान बेटियों को देने के लिए तैयार किया था वो भी जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं और ये जो घर है, ये है वाला घर पूरा का पूरा जलकर राख हो चुका। और आपको बता दूं कि एक बेटी जिसकी शादी है उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी है, बिना माँ की बेटी है। दूसरी जो है उनके माता पिता हैं, वो मैं आपको वीडियो में उनसे मिलाऊंगा, पर रिक्वेस्ट यही है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए क्योंकि थोड़े दिनों में जो परिवार में शादी रखी हुई है, देखिए पूरा का पूरा घर जल कर राख हो चुका है। और एक मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप आर्थिक तौर पर इनकी मदद नहीं कर सकते
तो ये मदद जरूर कर दें कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दानी सज्जनों तक ये वीडियो पहुंच सके और इस परिवार की कुछ ना कुछ मदद जरूर हो सके। तो परिवार के मुखी के साथ जो बात करते हैं, भाइयों जो परिवार के मुखी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनके साथ। अंकल जी क्या नाम है, कौन सी जगह से, पूरा परिचय दे एक बार हमारे किसान भाइयों को। जनता बाड़ी तहसील गढ़साना जिला गंगानगर। अच्छा आप बात कर सकते हो कि नहीं, मतलब है बात करने लायक है कि हम दूसरे आपके से। तो किसान भाइयों ये अंकल काफ़ी दुखी हैं क्योंकि घटना ऐसी हो चुकी है तो बात नहीं हो पा रही इनसे, तो अंकल से पूछते हैं। अंकल जी आप बताओ, परिचय दो अपना पूरा, कहां से हो, क्या नाम है जी। मेरा नाम है दादू खां, जनतावाड़ी के रहने वाले हैं, तहसील गढ़साना जिला गंगानगर। इतने काफ़ी समय से रहन लगे हैं बठिंडा गुरु नगरी से। तो इस तरह आग लगी है कल दोपहर को, जिसमें 46 नग बकरियां के मच गए और बड़े दुखी हो के थे। जो कुड़ियां दा दायजा था वो भी मच के राख हो गया है। तो साढ़े गांव वाले ने बहुत मोहल्ले वाले भज के आए हैं ना, उन्होंने बहुत मदद की है, पर क्या करें जो आग से नहीं बचा पाए। अंकल ये बताओ कि बकरी पालन का जो काम है ना, वो कब से कर रहे हो आप और कैसी कैसी बकरियां थी? ये बकरियां अंबरसरी नस्ल थी और गायें साहिवाल नस्ल है। ये दोनों माँ दोनों पशुओं की ऐसी सेवा करते हैं, पशु पालन का काम है और यहाँ आपका टाइम पूरा करते हैं जी। पशु को पालते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ राजस्थान में पट्टा नहीं है, इधर से दुखी होके आए थे, इधर फिर और आग लग गई, और ज़्यादा दुखी हो गया जी। तो कितना समय हो गया आपको बठिंडा आए हुए? बठिंडे हुए न जी कम से कम 10 साल हो गए आए को। यहाँ पशु पालते हैं और पराली वगैरह और तूड़ी वगैरह मिल जाती है, यहाँ दूध बेचते हैं और बैठे हैं जी यहाँ। तो जो अभी आप इस जगह पे रह रहे हो, इस जगह पे कितने 10 साल हो गए या कम हुए? इस जगह से जी 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से बैठे हैं और किसी जमींदार से मांग के जगह लीजिए और कोई किराया नहीं है और बैठे हैं। उससे पूछा है राजी मते से, जब कहो हम ये जगह छोड़ देंगे। उसने कहा जितनी देर मेरी जगह वेली पड़ी है उतना देर आप बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अंकल अपने परिवार के बारे में बताओ, कौन कौन है, कितने मेंबर है परिवार में? जी परिवार में 5 मेंबर हैं और बड़ा दा आमी खां है, छोटा अकबर खां और उसका खान मम्मा दे और हलीमा हैं अकबर खां दे घरवाली और लड़की है कमो खां, कमो भी अकबर दे घरवाली और खान मम्मा दे घरवाली बशीरा बेगम है, जिनका जिसने 2 महीना को शादी भी है रखी हुई है और माँ उसकी गुजरी हुई है बशीरा बीरी। अच्छा ये बताओ भी जिन बेटियों की शादी है ना, तो कब की शादी रखी हुई है, कहाँ करनी है और क्या मतलब स्थिति है? मतलब ये दिन मुकर्रा नहीं रखे, 5वें महीने की 5-10 तारीख को इरादा था जो शादी कर देंगे, ये इस वजह से जो 5वें महीने में शादी करनी थी हमने, तो उसका थोड़ा थोड़ा दायजा इकट्ठा कर रखा था, कुछ करना था वो भी सड़ के राख हो गया, पैसा भी राख हो गया और 2.5-3 लाख रुपया ही मच गया और बकरियां ही मच गई, जो दाजे का सामान था वो ही मच गया। तो ये बताओ भी जो जिन बेटियों की शादी है ना, उनकी कौन सी की माँ नहीं है, ये भी हमने सुना एक की माँ नहीं है, मतलब ऐसा भी? ये बशीरा बेगम की माँ नहीं है और कमों की माँ है, कमों भी की माँ है। अच्छा परिवार का गुजर बसर किस तरह से चलता है, जैसे कितनी कमाई है, कमाई या नहीं? जी थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, कमाई तो क्या है, दूध बेचते हैं, कभी कमाई हो जाती है, कभी घर से भी खा लेता है माल, तो यहाँ कभी बकरी बेच दी, कभी गांव बेच दी, इस तरह गुजर वगैरह चलता था इस वजह से।
तो जो ये सामान आपने बनाया है ना बेटियों को देने के लिए, पैसे जोड़े हैं जो, तो ये इनको कितना टाइम लग गया, कब से आप जोड़ रहे हो? जी हम 2 साल से जोड़ रहे हैं, यूँ बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सामान 2 साल से हम इकट्ठा कर लिया था, कुछ करना था। टाइम के टाइम खड़े पगे, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं है, कभी गांव बिक गई, कभी बकरी बिक गई, उसका सामान ले आए लड़कियों का, उस लिए जी। और जो दहेज का सामान इकट्ठा कर रहे थे वो कितना टाइम हो गया इकट्ठा करने? 2 साल हो गए जी इकट्ठा करने से, दो साल से इकट्ठा कर रहे हैं। रूड़ी भेज देते हैं अभी, कितना क्या कुछ जला है इसमें? इसमें कपड़ा वगैरह, कपड़ा ही सड़ गया, जल गया, और 2-2.5-3 लाख रुपए भी जल के राख हो गया जी, और कपड़ा बिस्तरा जो सूट वगैरह आम साढ़े जिमीदारा के चलते हैं वो सारा इकट्ठा कर रखा था, वो भी जल गए, और बर्तन भी जल गए जी, बर्तन में ही कोई दम नहीं रह गया, बर्तन भी सारे जल गए। तो जब ये आग लगी अंकल, तो कैसे लगी, क्या कारण रहा, और परिवार वाले कहाँ थे? परिवार वाले पड़ोस में शादी थी, वहाँ चले गए थे, और लड़कियाँ बैठी थी, उसको जिस वक्त शादी आग लगी उन्होंने हाय तौबा करी, मोहल्ले वाले ही भाज के आ गए, उनको ही पता चला, जो वो ही भाज के हम ही सगले आ गए या इससे। तो अभी मतलब कुछ बचा है कि नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा जी, ना कुछ भी नहीं बचा जी, 45-46 नग बकरियाँ की मच गए, और 3-3.5 लाख रुपये ही मच गया, और बैठा 3 लाख रुपया ही मच गया, और जो दाजे का सामान इकट्ठा करा था वो ही मच गया, कुछ भी नहीं बचा जी। अच्छा अंकल आप बताओ भाई, कैसे मतलब हालात है अब घर के? हालात मारे ही इन घर के, क्या हालात बताइए, घर के दौन सड़ गया चीज, एक रोटी अच्छे हो गए हैं, बता क्या। तो खाना वगैरह कहाँ खा रहे हो? यहाँ ही खा रहे हैं, कोई देर ही आते रहेगा मेरे रंग, हाँ खाते है, खावना तो क्या खावना। अभी क्या हमारे जो देख रहे हैं दर्शक है ना, उनसे क्या कहना चाहोगे, कोई मदद की आप? जो लड़कियां की शादी करनी है वो मदद कर देंगी हमारे, तो जो 2 महीना को लड़की की शादी करनी है 5वें महीने में, उसकी मदद कोई कर देवे तो बहुत मेहरबानी होएगी। तो भाइयों जिन बेटियों की शादी थी वो बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सबसे पहले। क्या नाम है आपका? कम्मू। कम्मू बताओ जरा कि ये जो हादसा हुआ है ना, किस तरह से हुआ, क्या कुछ हुआ? ऐसा चाणचक ही हुआ, पता ही नहीं चलाएगा, कपड़े पाई से कपड़े पाने ही पता नहीं क्या हो गया। मेरे भरा की शादी थी उस टाइम में, खुशी में थी, तो पता नहीं एकदम से कपड़े पा रहे थे, क्या हो गया। तो ये कितने बजे की घटना बताई जा रही थी आपको, कब आग लगी, कैसे मतलब कुछ कारण बताया? 9:30 का टाइम था। तो कोई कारण का पता चला, कैसे लगी है ये? कोई पता ही नहीं हैगा, अंदर सीगे सारे कपड़े पाई जाते सीगे, अंदर मगरली साइड लगी है, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा बताओ जरा कि आपके घर में कौन कौन है, और परिवार के हालात कैसे है, कैसे चलता घर? घर तो ठीक ही चलता था, अभी तो जमा ही बैठ गया, अभी तो कुछ ही नहीं बचा है। घर में कौन कौन, परिवार में कौन कौन है, मतलब आपके चाचा पापा सब बताओ। मेरे तो तो एक और आंटी जो साथ में पड़ोस में रहती है वो भी काफी दुखी है इस घटना से, उनसे बात करते हैं। और आंटी जी आप बताओ, जैसे ये घटना हुई है ना, आप यहीं रहते हो? हाँ मैं इन्होंने पड़ोस में रहती हूँ भाई, इन्होंने घटना कुछ भी नहीं पता लग गया भी, किमें अग पई है किमें नहीं पई, साढ़े नाले सारी दिहाड़ी बेचारे पशुआ ना पशु होए रहे, ठीक है 40-50 तन दी बकरियां दे नग सी, वह जमा हड्डा रोड़ी बन गई, ठीक है जी। जो ये बेटियां इन्हों का ब्याह से दोनों का, अगले महीने ब्याह धरना से, हजे दिन तरीक कढ़ाई नहीं सी,
ठीक है, जो इन्हों का दाज से जो भी इन्हों का इन्हों पल कख भी नहीं रहा, सारा कुछ इन्हों का खत्म हो गया। असं भी बहुत दुखी हैं इन्हों इस घटना तो। जिमें भी कोई आप परमात्मा मूहे हाथ जोड़ के सब मूहे हाथ जोड़ते हैं इन्हों की हैल्प हो, आप सारे मूहे अरदास करते हैं जी, हे वाहगुरु इन्हों का साथ दो सारे, बस आप इन्ना ही कहना चाहवा। तो काफ़ी गमगीन जो इनके परिवार में माहौल है। अच्छा, आपकी भी शादी है बेटा? हाँ हमारी भी है। क्या नाम है आपका? बशीरा। तो बताओ जरा कैसे, मतलब ये सब कुछ घटना के बारे में? ए पता नहीं लगा हमारे को। तो ये जो आपकी दोनों की एक साथ ही शादी रखी हुई है? हाँ, साथ में हमारे तीनों बहन भाइयों की शादी थी। कितना टाइम बाकी है अभी शादी में? ये अगले महीने की 10 तारीख को शादी रखी हुई थी। अच्छा, जो सामान बनाया ये है ना, कितने समस्या में कितना टाइम लग गया इसे बनाने में? इसमें तो बहुत ही परेशान होकर बनाया जाता है, कभी 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 सूट ले आते, कभी कभी सूट ले आते, एकदम में से बनता नहीं है। कितना टाइम हो गया ये दहेज का जो सामान इकट्ठा करने में? इसको तो बहुत साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं कि सामान तो होले होले जोड़ता जोड़ता बनाते ही रहते हैं कि भाई लड़की की काम आएगा अगर। और कैसे कैसे मतलब मुसीबतों को देखकर जैसे बनाया ये, कैसे? बहुत मुसीबत से बनाते हैं, दूध के पैसे आते, पेमेंट में आधा खर्चा निकाल के फिर ही बनाना पड़ता है। तो क्या कुछ जल गया इसमें? बहुत ही सामान था, उन क्या बताएं, बहुत ही सामान थे, कपड़े कपड़े बहुत ही थे। अच्छा, आप दोनों में से सुना है कि एक की मम्मी नहीं है, वो किसकी है? अच्छा, बशीर आपकी मम्मी? हाँ। आपकी मम्मी नहीं है? नहीं है। तो कितना टाइम हो गया उनकी डेथ हुई? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। और इनकी जो ये बेटी है, इनकी माता है, इनसे बात करते हैं। बताओ आंटी जी, आप बताओ है ना, सबसे ज़्यादा जो रिश्ता करीबी माता का होता है ना, तो आप बताओ भी जो सामान बनाया था है ना, कितना टाइम हो गया और कितनी खुशी थी? औड़े औड़े मिलाया सी सामान था, औड़े औड़े बनाया सी, कदे कभी रजाई ले आंदी, कदे बिस्तरा ले आंदा, कदे कोई सूट वगैरह ले आंदा, कदे चप्पल ले आंदी, औड़े औड़े बनाया था ऐसे ऐसे करते, मुसीबत से बड़ा औखा बनाया था। क्या बोली बस। और ये जो क्या कुछ होगा इसमें, मतलब दहेज का जैसे पैसे भी थे, सोना भी था, और क्या सोना भी है, 6-7 तोले सोना था, 10-15 तोले चांदी था, ते दूसरा पैसा बहुत था, 1 लाख रुपया से सा गुम गया, दमा लब्बा ही नहीं है, सारा ऐ काला हो गया, मच गया, जमा मच गया। तो कितना अभी, मतलब जैसे कि कुछ बचा है कि नहीं बचा? जमा ही नहीं बचा, कोड़े हो गए, सुहा बन गई, राख बन गई, जमा राख बन गई। तो अभी खाना वगैरह कैसे खा रहे हो, यहीं पर बना रहे हो या कोई दे? ये तो हमारे को बस्ती वाले इकट्ठा करके देके गए हैं, बस्ती वाला खा के मंजे मुंजे सब हमारे मच गए, उनने रजाई बिस्तरा सब ला के दिया, सब उनने रोटी बना के दिए, भांडे भूडे सब काले हो गए। अच्छा, तो जैसे जो गहने वगैरह बनाए थे वो उनमें से बचा कुछ के नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचाएगा, सारा राख हो गया, वो तो सारा राख ही हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, तो जो किसान भाई हमारे देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहोगे आप, मदद मांगनी चाहोगे? हम तो बस मदद कोई करने वाला हो यही मांगते हैं, बस मदद कोई कर दे हमारी तो। अच्छा, अगर अब दोबारा से इतना सामान जोड़े तो कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा है? बहुत खर्चा गया, 4-5 लाख का सामान था, 10 लाख का सामान था, पेटियां आई, मंजा सारा जल गया, 2-3 कुर्सी आई रबड़ की, वह मच गई, कूलर फ्रिज
बहुत सामान सा, दो तीन अलमारियां था, वो सारी माचगी स्वा बन गई, राख बन गई। अच्छा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे क्या बोलना चाहोगे, क्या किस तरह की मदद होनी चाहिए? जैसी होएगी बस मान दे जाओ, चाहे कोई पैसे दे दो, जैसी मदद हुई हम तो मदद ही लेनी है। अभी कितना टाइम रह रहा है अभी शादी में? बस ये अगले महीने की 10 तारीख को ही रखना था। तो शादी आगे बढ़ाई जा सकती है या फिर उसी तारीख को होगी? उसी तारीख में ही होएगी, अब तो देखते हैं, उसी महीने में उसी तारीख को ही होएगी शादी। आप क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों से जो देख रहे हैं? मैं तो बोलती जो ही मदद हो वही कर दे। अंकल जी, कोई खाता नंबर है तो आड़ा, कोई कागज पत्र बचे है कि? जी कागज पत्र कोई नहीं बचिया, सारे कागज सड़ के जा राख हो गए, कोई खाता नंबर नहीं बचिया, साड़ियाँ आईडियां भी मच गईयां और साढ़े समान ही सारे मच गए और खाता नंबर ना सारा कुछ ही मच गया जी, कुछ भी नहीं बचिया जी। अच्छा अंकल जी, तुहाड़ी मदद दे लई अगर असी अपना कोई खाता नंबर देंदे हैं तो तुहानू इतराज तो नहीं होगा? नहीं, कोई इतराज नहीं जी, आप खाता नंबर देंदे ने तो सानू कोई इतराज नहीं है, आप दे वल्लों इमदाद होवे सही साडी। सो किसान भाइयों, जो अंकल के सारे ही कागज दस्तावेज हैं वो जलकर राख हो चुके जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं, तो हम अपना जो अकाउंट नंबर दे रहे हैं आपको और जैसे ही कोई मदद आएगी वैसे ही इस परिवार तक वो मदद पहुंचा दी जाएगी सबूतों के साथ में। और अगर आप परिवार की मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है सीधा आप बात कर सकते हैं और अपनी मदद इन तक पहुंचा सकते हैं। तो भाइयों, ये जो परिवार है काफ़ी बड़ी घटना जो इस परिवार के साथ हुई है, और कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है भाई, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, चाहे आप इस परिवार को कुछ सामान भी दे सकते हैं जो बेटियों की शादी में काम आ सके। अगर आप आर्थिक तौर पर और कोई सामान वगैरह की नहीं मदद कर सकते तो इतनी मदद इनकी ज़रूर कर दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमारे जो दानी सज्जन भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।